हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की हमारी रेसिपी है जो कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये राजस्थान की फेमस डिश है, इसका नाम है चूरमा। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। ये बहुत ही इजी है बनाने में, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मोटा आटा पिसवाया है। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप साधारण रोटी बनाने वाला आटा ले सकते हैं, बट आप उसमें सूजी ऐड कर लेंगे तो वो बात बराबर हो जाएगी। तो हम आटे को छान लेते हैं। अब मोटा आटा लेंगे तो उसको छानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तो हम इसको अच्छे से छान लेंगे। आटा ले लिया है हमने, अब हम इसमें अपना मोइन ऐड कर लेते हैं। लगभग 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर मोइन लिया है मैंने, और ये चूरमा बना रही हूँ 5 से 6 जनों के लिए बना रही हूँ। मोइन को अच्छे से हम मिक्स करके इसका एक टाइट सा आटा लगा लेंगे हम। मोइन अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, टाइट आटा लगा लेंगे हम। आटा हमें ज़्यादा गूंथना नहीं है, इसको बस इकट्ठा करना है। तो आटा हो चुका है, अब हम इसके छोटे छोटे सिलोए बना लेंगे। इसको बेल लेते हैं हम। अब हम इसको सेक लेंगे, तब मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम इसको रोटी की तरह सेक लेंगे। हमने रोटियां थोड़ी मोटी बनाई है तो हम, ताकि अंदर से भी सिक जाए, तो हम इसको थोड़ा सा दबा दबा के सेकेंगे। दबाने से मेरी रोटी गुस्से में हो चुकी है, बट सिकना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा सिक चुका है, अब जो थोड़ा बहुत अगर रह भी जाएगा तो हम इसको दोबारा सेकेंगे। तो अब हम इसको बारीक बारीक बिल्कुल हाथ से ब्रश कर लेंगे ठंडा करने के बाद। जितना हम हाथ से बारीक कर पाएंगे उतना सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितना बारीक कर लिया है हमने हाथ से। अब इसको हम छन्नी से छान लेंगे ताकि जो मोटा मोटा ऊपर रह जाए। जितना ट्राई हो सके हमें हाथ से इसको बारीक करना होगा, क्योंकि अगर हाथ से बारीक करेंगे स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा इसका। अब थोड़ा सा हम इसको और बारीक करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे। एक बार और छान लेते हैं हम इसे। अब हम इसको बाकी को मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए पीस चुका, अगर पूरा मिक्सी में पीसेंगे तो स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए जब हाथ से नहीं हो रहा हो तभी हम मिक्सी में पीसेंगे। तो तैयार है, अब हम इसको सेक लेंगे गैस पे। गैस का फ्लेम लो है और हमने इसी में सेक रहे हैं इसको। लो फ्लेम पे हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको सेकेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब हम इसमें भूरा शक्कर ऐड कर लेंगे, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे। अब घी ऐड कर लिया है मैंने, अगर आप घी कम खाते हैं तो कम ऐड कीजिए, कि इतना कि बस लड्डू बन जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको, ताकि जो हमने शुगर डाली है वो और घी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे छोटे छोटे से। ऐसे करके हम सभी के लड्डू बना लेंगे। तो तैयार है हमारे चूरमे के लड्डू। आप रेसिपी ट्राई कीजिए और कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।